दोस्तों वीडियोज को स्किप तो आप रोज ही करते होंगे, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखना क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट के 5 ऐसे दिग्गजों के किस्से सुनाने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगने वाली है। सो लेट्स सेट फायर। क्रिकेट के इन्हीं 5 दिग्गजों में से एक हैं 6 बॉलों पर लगातार 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह। 2011 वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले इस बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। इसके बारे में उन्होंने अपने फिजियो को बताया तो फिजियो ने उनको जांच कराने की सलाह दी, लेकिन इस बंदे के दिमाग में वर्ल्ड कप का जुनून और जीतने की जिद सवार हो चुकी थी। उसने अपने फिजियो से कहा कि अभी टाइम नहीं है, जांच तो बाद में भी होती रहेगी, पहले वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है। सांस लेने में तकलीफ होने के बावजूद भी वो बंदा सब कुछ भूलकर वर्ल्ड कप में व्यस्त हो गया। असल में यूवी को कैंसर था और इस बात का अंदाजा उन्हें तब जब एक दिन क्रिकेट खेलते वक्त ही उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। उनके एक हाथ ने सही से काम करना बंद कर दिया, लेकिन उस घटना के बाद भी बेड रेस्ट करने के बजाय उस बंदे के अंदर वर्ल्ड कप जीतने का पागलपन और तेज हो गया और वो बंदा वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैदान में उतरा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से तड़पने के बावजूद उस बंदे ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2011 वर्ल्ड कप जीतने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। एक जिद, एक पागलपन ही चाहिए होता है ना कि एक बंदा अपनी मंजिल के लिए मौत से भी लड़ जाए। मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, पर फिर भी मैं सचिन को खेलते ये देखने के लिए क्रिकेट देखता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे उसका खेल पसंद है, बल्कि इसलिए कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि जब ये बैटिंग करता है तो मेरे देश का प्रोडक्शन 5% गिर क्यों जाता है। ये शब्द थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के। 11 दिसंबर 1988, 15 साल 232 दिन का ये लड़का टॉप 11 में मुंबई की तरफ से खेला और पहले ही मैच में नॉट आउट 100 रन बनाकर क्रिकेट की दुनिया का एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और उसके बाद 1989 में इस बंदे को इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया और पहला मैच हुआ पाकिस्तान से। उस वक्त इस बंदे की उम्र थी 16 साल 205 दिन। ये बंदा बल्ला लिए मैदान में खड़ा था, सामने से वगार यूनिस की बोलाई जो इसके नाक पर लगी और चेहरे पर खूनी खून हो गया। उस वक्त उस क्रिकेट मैच को जितने भी लोग देख रहे थे सबने यही सोचा होगा कि ये 16 साल का बच्चा वगार यूनिस के सामने कैसे टिक सकता है, इसे वापस आ जाना चाहिए। यहां तक कि सिद्धू ने भी बोल दिया था कि आप अभी रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद आ जाना, तब तक फास्ट बॉलर वगार यूनिस की जगह कोई दूसरा बॉलर आ जाएगा, तब तुम आराम से खेल लेना। लेकिन उस वक्त सचिन ने धीरे से कहा, मैं खेलेगा, चाहे कितना भी फास्ट बॉलर हो मैं जरूर खेलेगा। और अगले बॉल पर 16 साल के इस लड़के ने चौका मारा और 101 रन की पार्टनरशिप के साथ खेला। उस एक डिसीजन ने पूरी दुनिया को गलत साबित करके क्रिकेट की दुनिया में एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उस दिन भारत को एक लेजेंड मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया का भगवान माना गया। इसे कहते हैं असली जिद। जब पूरी दुनिया इसके हारने का इंतजार कर रही थी, इस बंदे ने अपनी जिद की बदौलत मैच को ड्रॉ कराकर एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। ऐसे ही एक जिद्दी इंसान ने भारत को T20 वर्ल्ड कप और वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप साथ साथ बहुत सारी ऐसी जीतें दिलाई जो इंडिया के लिए एक सपना सा लगने लगा था। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, जिनके जीवन पर एक पूरी फिल्म बन चुकी है। अपनी जिद और अपने पागलपन की वजह से ही ये बंदा करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। एक जिद, एक पागलपन ही चाहिए होता है करोड़ों लोगों की धड़कन बनकर धड़कने के लिए। मैं सामने वाले को नहीं देखता कि वह कितना बड़ा खिलाड़ी है, मैं बस इतना सोचता हूं कि मेरे साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद और उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये शब्द हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के, जिनके जीवन की एक घटना इस बात को बयां करती है कि यह बंदा क्रिकेट के लिए कितना पागल और कितना जिद्दी है। 18 दिसंबर 2006 विराट के पापा ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे और विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहे थे। पहले दिन विराट 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से कॉल आया कि विराट के पापा की डेथ हो गई है। वहां पर जितने भी लोगों को इस बात का पता चला तो सबने यही सोचा कि विराट अब घर के लिए निकलेंगे, लेकिन दूसरे दिन विराट ने सबको चौंका दिया क्योंकि दूसरे दिन विराट एक नए जोश के साथ बल्ला लेकर मैदान में खड़ा था। ऐसी सिचुएशन में भी विराट ने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताने के बाद ही घर के लिए निकला। ये होता है असली पागलपन, असली जिद। और ऐसी जिद जिस दिन आपके अंदर आ गई ना, उस दिन आपको आपके लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता। ऐसा ही एक और बंदा है इंडियन क्रिकेट टीम में, जिसके पापा महज 7 साल की उम्र में उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उस 7 साल के लड़के ने अपने अंदर एक जिद वाली फास्ट बॉलर बनने की और आज उसी जिद और पागलपन की वजह से वो बंदा भारत ही नहीं दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की लिस्ट में शुमार हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह की, जो अपनी बॉलिंग से दुनिया में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। क्या आपके अंदर भी है ऐसा पागलपन? बनना चाहते हो इनकी तरह? पाना चाहते हो ऐसा मुकाम जहां पर आपका नाम ही एक ब्रांड बन जाए? अगर आपका जवाब हां में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना। और हां, अगर आपने मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।